और चलिए जो बात हम कर रहे थे जीएसटी की कि जीएसटी की वजह से किस तरह से जौहरियों के अरबों रुपए अटके पड़े हैं, जिसके रिलीज होने की सूरत फिलहाल दिखाई नहीं देती है। ये कैसी मुश्किल है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जीएसटी की शुरुआत के साथ ही देश भर में स्थानीय करों को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। करदाता को 17 तरह की कर और 23 तरह की सेस से छुटकारा मिला। वहीं सरकार का कंप्यूटराइजेशन के कारण कर चोरी पर नियंत्रण भी बढ़ा। लेकिन इसके बावजूद जीएसटी की शुरुआत से निर्यातक खुश नहीं है। इसका कारण जीएसटी कानून में विदेश लेकर गए अपने ही माल को भारत वापस लाने की दिशा में उस पर वसूला जा रहा जीएसटी है। हैरानी की बात यह है कि 1 जुलाई 1917 को जीएसटी की शुरुआत से लेकर अब तक जीएसटी कानून में अनेकों संशोधन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आईजीएसटी की मुसीबत से ज्वेलर्स को अभी तक छुटकारा नहीं मिला। राष्ट्रीय स्तर पर ज्वेलर्स की तरफ से चुकाए गए आईजीएसटी की बात करें तो अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक 237,95,84,928 रुपए का आईजीएसटी चुकाया गया। वहीं अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 तक 189,29,95,987 रुपए का आईजीएसटी चुकाया गया। जयपुर की बात करें तो अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक ज्वेलर्स की तरफ से चुकाया गया आईजीएसटी 40,97,02,423 रुपए है। वहीं अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 तक 14,83,05,587 रुपए है। देश में ज्वेलर्स की सबसे बड़ी संस्था जीजेईपीसी भी इस मुद्दे पर सरकार के सामने कई तरह की गुहार लगा चुकी है, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर चोरियों को कोई राहत नहीं दी। नतीजा ये निकला कि 1 जुलाई 2017 से फरवरी 2019 तक देश भर में चोरियों के 427.25 करोड़ रुपए आईजीएसटी क्रेडिट के रूप में अटक गए। जीजेईपीसी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2019 तक जयपुर के जौहरियों की अटकी राशि 55.80 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी क्रेडिट के रूप में जौहरियों के खाते में तो ये राशि है ही, लेकिन इसका उपयोग वो नहीं कर पा रहे। हमारे ज्वेलर्स कंसाइनमेंट के ऊपर ज्वेलरी शो के अंदर माल लेके जाते हैं, जब उनका माल नहीं बिक के जो वापस री इम्पोर्ट होता है उस पर जो आईजीएसटी लगती है वो रिफंड नहीं हो रहा है। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि जो शो के लिए माल लेके जावे उस पर इसकी छूट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बार माल लेके आते हैं फिर नहीं बिकता है, फिर हम दोबारा लेके जाते हैं फिर दोबारा हमको आईजीएसटी देना पड़ता है। तो ये इसके लिए आजकल व्यापारी लोग बहुत ही कम माल लेके जा रहे हैं, यदि माल लेके नहीं जाएंगे तो बिक्रा कैसे करेंगे। तो हमारा डेड स्टॉक इस ट्रेड के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो सरकार से हमने काफ़ी और निवेदन कर रखा है कि आईजीएसटी को रिफंड कराया जाए। रिफंड जो आपने एक्सपोर्ट किया उसका कितनी दिन में आता है और कितना टाइम लगता है, ये सर्वव्यापक है और इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आपका जब रिम्पोर्ट होता है तो तुरंत आपको आईजीएसटी देना पड़ता है और वर्किंग कैपिटल पूरी ब्लॉक हो जाती है। उस वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने की वजह से आज व्यापारी को इस मंदी के दौर में बहुत गंभीर परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए पूरे विश्व में हर देश अपने देश के निर्यात में बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत है। भारत में भी निर्यातकों को हर संभव मदद के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन री इम्पोर्ट पर आईजीएसटी के पेच के कारण इसका असर अब कारोबार पर पड़ रहा है। री इम्पोर्ट पर आईजीएसटी प्रावधानों ने जयपुर के ज्वेलर्स को हैरान और परेशान कर रखा है। इसका कारण ये है कि हर री इम्पोर्ट पर ज्वेलर्स को एक निश्चित दर पर आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। इस भुगतान के चलते ज्वेलर्स की वर्किंग कैपिटल अटकी पड़ी है। देखने वाली बात यह है कि आखिर इस विसंगति को सरकार कब तक दूर करती है और ज्वेलर्स को राहत मिलती है। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।